फेमस मुझे नहीं बेटा, आप लोगों को होना है। क्यों हेडमास्टर जी? फेमस होने के बाद ये दुनिया जीने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती। आलोचक ज्यादा हो जाते हैं और सहयोगी बहुत कम रह जाते हैं बेटा। वहां पर हम जाएंगे। हाँ बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे। रुको बेटा, क्या आपको अपने बाप पर यकीन नहीं? हम अकेले ही काफी हैं इसके लिए। अरे आप रो क्यों रहे हो, उदास क्यों हो? आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे हम सदा के लिए जा रहे हो। आदि गुरु, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा आप तो इंसान बन गए, पूरे समाज में पता नहीं कितने इंसान राक्षस बन के घूम रहे हैं। हमें जाना होगा उन्हें बनाने इंसान। डोंट वरी, मैं चींटियों को इन्हीं के दिल में घुस के मारने जा रहा हूँ। जय हिंद। इस युग का अंत निकट है बाबा, सभी क्षत्रिय स्वयं ही लड़कर मर जाएंगे और अगले युग में एक युग प्रवर्तक उच्च कुल में पैदा होकर आएगा। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। हमें वक्त चाहिए, अकेले राजा में हिम्मत नहीं, जरूर कोई उसके पीछे ताकत है और उसी का पता करने के लिए हमने समय मांगा है। अगर पता करने पर वो हमसे ज्यादा ताकतवर निकला तो? अधीनता करना तो शेर दिल जानता नहीं और ना ही आपकी प्रजा अधीनता जानती है। अधीनता से हमें मरना मंजूर है। घबराइए नहीं, कुछ और देर गुलामी की सांसें ले लो, उसके बाद आजादी की सुबह आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। पैर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दर गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। सेवा करना पाप है, ये पाप हम आखिरी सांस तक